मैं घर आ गया। मोबिता, मैं तुम्हारे लिए सुमेरी के शो के 2 टिकट लेकर आया हूँ। क्या आप हमारे लिए सुमेरी के शो के 2 टिकट लेकर आए? डोरीमोन, अपन सुमेरी के शो देखने चलेंगे। ये हाँ, हम सुमेरी का शो देखने चलेंगे। आपको सुमेरी के 2 टिकट कहाँ से मिले? ये तो मेरे बॉस ने बोनस की तरफ से दिए है। सुमेरे। तो गाइस कैसे हो आप लोग? तो गाना शुरू करें। ओ वो देखो देखो, सुमेरी गाना शुरू करने वाली है। चलो अपन भी सुमेरे से मिलने चलते हैं। मैं पहले उनसे मिल चुका हूँ। अरे हाँ, तुम तो पहले उनसे मिल चुका हो ना, तो चलो तुम जाके बोलो उनसे। असिस्टेंट, सुमेरे से जाके बोलो नोबिता आया है, नोबिता आपसे मिलना चाहता है। नहीं, सुमेरे किसी से नहीं मिल सकती, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। अरे तुम अंदर जाके बोलो तो सही। नहीं, मैं एक बार बोला ना, नहीं तो नहीं, तुम्हें समझ नहीं आता। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे अरे मैम, ये दोनों अंदर आने की कर रहे थे। अरे नोबिता, तुम यहाँ, तुम इनको अंदर आने से क्यों मना कर रहे थे? एक बार मेरे से तो पूछ लिया होगा। आओ अंदर आओ नोबिता, लो चाय पियो नोबिता। हाँ सुमेरे। ये नीला रकुन कौन है? अरे सुमेरे, मैं कोई नीला रकुन नहीं हूँ। अरे सुमेरे, ये कोई नीला रकुन नहीं है, ये तो 22वीं सदी का भी नीला कलर का रोबोट है। 22वीं सदी का रोबोट, यानी कि फ्यूचर से आया है? हाँ, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अच्छा दोस्त? सुमेरे आप इतनी उदास क्यों हो रही हो? दरअसल सुमेरे का सबसे खास दोस्त इनसे बहुत दूर चला गया है। ये उनसे बहुत प्यार करती थी। खास दोस्त कहाँ गया है? वो किसी और ही प्लेनेट पे गया है। सुमेरे वो कौन से प्लेनेट पे गया है? मैं आपको वहाँ लेके जा सकता हूँ। क्या तुम मेरे को वहाँ लेके जा सकते हो? लेकिन मैं तुमको वहाँ का पता नहीं बता सकती। सुमेरे बता दो, हम आपको वहाँ लेके जा सकते हैं। अगर आपने नहीं बताया तो आप कभी आपके दोस्त से नहीं मिल पाओगे। क्या तुम मुझे सच में ले जा सकते हो? हाँ आओ हमारे पीछे। ये क्या है? ये डोरीमोन का एक गैजेट है, इसमें अपन बैठ के कहीं पे भी जा सकते हैं। चलाने के लिए वहाँ प्लेनेट की कोई चीज चाहिए, क्या आपके पास है? हाँ है, ये लो। अपन स्पेस में पहुँच गए, लेकिन अपन प्लेनेट पे कैसे उतरेंगे, वो भी बिना किसी स्पेस सूट के? टेंशन मत लो सुमेरे, मैं हूँ ना। ये लो, ये स्पेस सूट का कमाल करेगी, से सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा है क्या? वो देखो, बट प्लेनेट आ गया। क्या ये बट प्लेनेट है? वाओ, यहाँ की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है। लेकिन अपन मिस्रों को ढूंढेंगे कैसे? हाँ यही दिक्कत है बस। वैसे उसका नाम क्या है? मिस्रो। हाँ तो हमें पूछना होगा मिस्रो के बारे में, कि उसका घर कहाँ पे है। हाँ चलो चलते हैं। आप मिस्रो का घर जानते हैं क्या? सच मुझे क्या बोल रहा है? आ पागल नोबिता, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। ओए क्या बोल रहे हो तुम? तुम दोनों बहुत फनी हो। अरे लेकिन इनकी भाषा कैसे समझेंगे अपन? आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। ट्रांसलेशन, क्या आप मिस्रो का घर जानते हैं क्या? कौन मिस्रो? नहीं, मैं नहीं जानता। अरे ये क्या चीज है जिससे अपन को इनकी भाषा समझ में आ रही है? ये ट्रांसलेशन टूल है, ये 22वीं सदी में बनाया गया था। ये एक गैजेट है, अपन इससे हर किसी की भाषा समझ सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस प्लेनेट पर आया ही ना हो, इसको
पड़ गया हो। तुम्हारे पास एक गैजेट था ना जिसमें फोटो डालने से अपन उस इंसान को ढूंढ सकते हैं। है तो सही, लेकिन अपन को यहाँ पे मिस्सू की फोटो कहाँ से मिलेगी? मेरे पास है मिस्सू की फोटो। आपके पास है? लो तो मुझे दो फोटो। ये लो। उसका पीछा करना होगा मशीन का, अपन को मशीन पहुँचा देगी वहाँ तक। लेके शाम पर तुम ना मिलो, दूर मुझसे बात है क्यों बुला, चलो जरा हाथ थाम ले, फिर मिले या ना मिले, चाहेंगे तुमको बेपना, आने ना देंगे कोई गिले, तो फिर तुम्हारा नाम ले रही है बहती ये हवा, देखो थम अब चुका है वक्त, मैं सहमा हुआ, आसमां के सितारे हैं ऐसे यूं गिर रहे, जैसे वो आंसू हो तुम्हारे आंखों के। ऐसा क्यों कर रहा है? हम उसे इतना दूर से मिलने आए हैं उससे। नोबिता, डोरेमोन, अब अपन को चलना चाहिए यहाँ से। मैं नहीं रुकना चाहती मैं। चलो। मेरे रुको, इतनी जल्दबाजी मत करो। मिस्सू की कोई वजह होगी तभी वो ऐसा कर रहा है, नहीं तो वो तुम जितना प्यार करती हो वो भी उतना प्यार करता है आपसे। मेरी बात सुनो, अपन उसका पीछा करते हैं। लेकिन देखो, अगर आप यहाँ से अभी चली गई ना तो कभी आप मिस्सू से नहीं मिल पाओगी। तो कहो मुझे, छिपाओ ना मुझसे ये पल, हाँ कौन थी वो, उसका नाम तो कहो, जहां भी हो मुझे उसका पता दो। कौन है? ले चलो ले चलो मुझको अब तुम अहवा। ऐसी हो तुम, ठीक तो हो ना? मुझे माफ करना, मैंने तुमको देख ऐसे किया, लेकिन इसके पीछे कोई वजह थी। तुमको देखे हुए इतना समय हो गया, लेकिन मैं तुमसे ढंग से बात भी नहीं कर पाया। मुझे माफ करना। पर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ से जाना होगा, प्लीज यहाँ से चले जाओ। ताकाहाशी, जल्दी चलो, हमें जाना है। तुम भूल गए क्या? हाँ नारुमी, आया। लगता है परमेन ने यहाँ पे किसी और से शादी कर ली, इसीलिए परमेन अपन को नजरअंदाज कर रहा था। तुम्हारा नाम ताकाहाशी क्यों है और ये लड़की कौन है? लगता है मिस्सू ने अपना नाम चेंज कर भी ताकाहाशी रख लिया होगा, इसलिए अपन लोगों से पूछ रहे थे जब लोग बता नहीं पा रहे थे। हाँ ऐसी ही बात है। दरअसल जो लड़की मुझको बुला रही है ना, वो इस देश की राजकुमारी है, यहाँ के राजा की बेटी, और राजा यहाँ चाहते हैं कि मैं उसकी बेटी से शादी करूँ, और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो पृथ्वी को खतरा होगा। नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, उन्होंने मुझको धमकी दी है। तुम हमको एक बार तुम्हारी मदद करने दो, हम तुमको यहाँ से बचा सकते हैं। नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम भी खतरे में पड़ सकते हो। तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अब जाना होगा। नीला वो आसमां बुला रहा, मेरे बचपन की यादें कितनी अच्छी थी, काश मैं फिर से बचपन जी पाऊँ। मेरे दोस्त, मेरा परिवार, काम को, मेरे मम्मी पापा और मेरा रोबोट, पता नहीं कैसे होंगे। सपनों की और मिस्सू मेरे, वो मुझसे मिलने आई है और मैं उससे ढंग से बात भी नहीं कर पाया। यहाँ पे एक बहुत सुंदर कपल आया है, मिस्सू जो धरती से आया है, यहाँ की राजकुमारी नारुमी से शादी करने वाला है। तो मिस्सू, आप नारुमी को अपनी पत्नी मानते हैं? मिस्सू,
पत्नी मानते हैं आप? हाँ हाँ हाँ। खुश रहना परमेन, तुमने पाको का बहुत इंतजार किया है। रुको ना रूमी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो मेरे को मालूम है कि तुम इस देश की राजकुमारी हो, तो तुम्हें घमंड तो होगा ही, इसलिए मेरी बात को नजरअंदाज कर रही हो। मेरा नाम पाको है। मुझे मालूम था कि मेरे बारे में जरूर बताया होगा तुमको। ये जानते हुए भी तुम उससे शादी कर रही हो तो मैं क्या करूँ? वो मेरा है और मैं उससे शादी करूँगी। देखो मैंने उसका बहुत इंतजार किया है। क्या अपने प्यार के लिए तुम एक साल भी इंतजार कर सकती हो? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पूरे 10 साल इंतजार किया है। क्या तुम्हें उसकी फिक्र है? नहीं है। अगर तुम्हें उसकी फिक्र होती तो तुम उसके बारे में सोचती, उसकी फीलिंग के बारे में सोचती, ना कि तुम अपने बारे में। तुम हमेशा अपने बारे में सोचती हो। वो बाहर से ही कुछ दिखता है बस, बाकी उसके अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं जानता है। तुम भी नहीं, तुमने उससे कभी प्यार किया ही नहीं। ऐसा ही है। नहीं तो तुम उसकी खुशी के बारे में सोचती, ना कि अपनी खुशी के बारे में। वो मेरा है और वो मुझसे प्यार भी करता है, तभी तो उसने शादी की यहाँ भरी। क्या जब से उसने तुमसे शादी करने की यहाँ भरी है, तुमने कभी उसको खुश देखा है? जब से वो यहाँ आया तुमने क्या उसको कभी खुश देखा है? नहीं, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं करता। जो भी कुछ कर सकते हो तुम कर सकते हो, मैं मेरे पापा को मना नहीं कर सकती। तुमको अब ऐसा दिखाना होगा कि परमेन मर गया है। खुश रहना परमेन, तुमने पाको का बहुत इंतजार किया है। नहीं, अभी मैं कहाँ हूँ? तुम्हें एक बड़े राक्षस ने खा लिया था। हाँ, मेरे को तो एक बड़े राक्षस ने खा लिया था ना। हाँ, वो मेरा ही एक गैजेट था। तुम लोग पागल हो गया? अगर उस देश को कुछ हो गया तो? अरे अरे तुम टेंशन मत लो, हमने उस देश को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने उधर कुछ भी ऐसा नहीं किया है टूट फूट, बस तुमको लेकर आ गए हम वहाँ से। अब तुम उस देश के लिए और उस राजा के लिए मर चुके हो। यानी मैं उनके लिए मर चुका हूँ? यानी कि अब मैं सुमिति के साथ रह सकता हूँ? अब मैं धरती पे जाना चाहता हूँ। धरती पे सुमीरे, सुमीरे कहाँ है? ब्रेकिंग न्यूज, सुमीरे करने जा रही है शादी। अचानक से सुमीरे को पता नहीं क्या हुआ कि शादी करने जा रही है। अब पूछते हैं अपन सुमीरे से चल के। सुमीरे आप कुछ कहना चाहेंगे? आप इतने सालों से शादी के लिए मना कर रही है और अब आप अचानक से शादी करने जा रही है, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? दरअसल मैं इसी से शादी करनी चाहती थी, जिसलिए मैंने किसी से शादी करने की हाँ नहीं भरी। ये बहुत दूर थे मुझसे, इस वजह से मैं इनसे कभी मिल ही नहीं पाती। लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी वजह से मैं आज इनसे मिल पाई हूँ, और आज मैं इनकी वजह से बहुत खुश हूँ। उन दोस्तों का नाम है नोबिता और डोरेमोन। इनके लिए तालियां।